कक्षा पांचवी चिनार की छात्रा सुबह की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत से दर्शकों को यह पता ही होगा कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। नव का अर्थ है नौ और रात्रि का अर्थ है रात यानी नवरात्रि। आगे के लिए चलते हैं आन्या के पास। नमस्ते मित्रों, मैं आन्या चोपड़ा लाई हूँ छोटी सी जानकारी। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। जैसा कि मेरी मित्र अर्शिया ने भी बताया, इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। हम आपको नवरात्रों के बारे में और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले शंख नाद हो जाए। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मित्र को। मानो हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, लेकिन अभी है गायत्री मंत्र और प्रार्थना का गायन बाकी। तो आपसे है निवेदन, जोड़ ले अपने हाथ और बंद कर ले अपनी आंखें। Oh,
मेरे सभी मित्रों का। आपकी मधुर वाणी तो मानो चारों तरफ ऊर्जा का संचार कर देती है। तो चलिए चलते हैं किरण मैम के पास आगे की गतिविधि के लिए। धन्यवाद बच्चों, मैं किरण पांचवी चिनार की कक्षा अध्यापिका सुबह की प्रार्थना सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। सबसे पहले चलते हैं असम और बंगाल की तरफ। तो यहाँ 6 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ये 6 दिन है महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी तथा विजयदशमी। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा की मूर्ति को नदी में विसर्जित किया जाता है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गरबा और डांडिया के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा के सम्मान में गरबा आरती से पहले तथा डांडिया आरती के बाद किया जाता है। डांडिया नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसे स्त्री तथा पुरुष मिलकर खेलते हैं। डांडिया नृत्य मुख्य रूप से माँ दुर्गा तथा महिषासुर के युद्ध पर आधारित है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में नवरात्रों के 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है तथा 10वें दिन इसे विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब चलते हैं दक्षिण भारत को। तो दक्षिण भारत में इसे अयन पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है तथा नृत्य भी किया जाता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी नवरात्रों के बारे में। अब बात हो रही है माँ दुर्गा की, तो क्यों ना माँ दुर्गा की भक्ति में रची बसी एक छोटी सी नृत्य प्रस्तुति देखी जाए। आप सभी का मेरे परिवार में हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं मेरी दीदी क्या कर रही है। नमस्ते जी नमस्ते। आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाने के लिए हम लाए हैं स्वाद का तड़का। मेरी दीदी व्रत के लिए बना रही है मखाने की खीर और मखाने का चाट। मखानों की खीर बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिए हैं। घी को गर्म होने पर मैंने उसमें मखाने डाल दिए हैं और उन्हें अच्छे से भुना है। उसके बाद मैंने 3 से 4 कप उबला हुआ दूध डाला है। इस दूध को मैंने पहले से ही उबाल रखा था और इस दूध को मैंने भुने हुए मखानों में डाल दिया था और
उबाला आने पर मैंने एक बड़ा चम्मच चीनी मिला दी थी। मखानों की चाट बनाना तो और भी आसान है। मैंने थोड़ा सा धनिया, टमाटर, प्याज को भुने हुए मखानों में मिक्स कर दिया था। स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैंने आधा चम्मच नमक और एक चुटकी काली मिर्च डाल दी थी। अरे दीदी, मखानों में तो भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन भी होता है, यानी स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। सोच रही हूँ मैं भी व्रत रखी लूँ। देख कर ही मुँह में पानी आ गया। लेकिन पहले हो जाए जन्मदिन की बधाई हमारे उन दोस्तों को जिनके हैं जन्मदिन इस सप्ताह। 19 अक्टूबर, हरनव, फोर्थ कल, सायरा सिंह, सेकंड अर्जुना, गुरमान, थर्ड कदम, हरजीत सिंह, फोर्थ अर्जुना। 20 अक्टूबर, हेदल, फोर्थ अर्जुना, निशिका, सेकंड चंदन, वंदित गर्ग, फिफ्थ कल, राघव राज, फिफ्थ अर्जुना। 21 अक्टूबर, अंशप्रीत सिंह, पिपिटू रॉबिन, एहसाना, सेकंड चंदन, दीक्षिता, फिफ्थ कदम। 23 अक्टूबर, मौलिक कुमार, फोर्थ कल, जीविका सिंह, सेकंड नंदन, माधव, फिफ्थ नंदन। 24 अक्टूबर, सौम्या, पिपिथ्री रोड, शौर्य वीर, फोर्थ अर्जुन। 25 अक्टूबर, प्रतीक सिंह, थर्ड कदम, मालव सागर, पीपी टू रॉबिन, जहर चोपड़ा, सेकंड कल, बिहान गोयल, थर्ड गुरमोहर, दिलजीत सिंह, फिफ्थ नंदन। चलिए, हमारी कक्षा की प्रस्तुति भी हो गई, जन्मदिन की शुभकामनाएं हो गई, अब बारी है राष्ट्रगान की।